बात होगी सौदेबाजी होगी फुकट का कुछ नहीं दे रहा सपोर्ट तेरे को कितने मंत्री पद दे रहा ये बोल करके मेरे भाई अभी इलेक्शन ये समझ लो एमएलए का नहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई तुम्हारा दो जो मुझे हराने में लगे हैं उनके घर के सामने से आप लोगों की जिम्मेदारी है 5 साल में एक ही बार वक्त आता है जहां पर हम अपनी जिम्मेदारी अगर बखूबी अगर हम निभाते हैं तो हम अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों बदले में हमें क्या मिलता है तो गाजापुर मिलता है कोल्हापुर के पास जहां मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया उनकी जायदादें लूटी गई एक घर में बच्ची की शादी थी उसका जेवर लेकर चले गए अभी की बात कर रहा हूं। विधान परिषद का जब 12 सीटें भरने का वक्त आया एक भी लायक मुसलमान नजर नहीं आया कि जिसको विधान परिषद के अंदर हम भेज सकते थे। आज महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर कितने मुस्लिम नुमाइंदे हैं आपके जानते हैं आप कितने हैं? शून्य, जीरो, एक भी नहीं है लायक जिसको वहां पर बिठा सके। लोकसभा के वक्त एक को टिकट नहीं दिया गया, एक को। पूरे महाराष्ट्र से आज आपकी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर खत्म हो चुकी है उसके बावजूद भी वो लोग यहां पर आएंगे फिर से आपसे सवाल करेंगे आपको बताएंगे आपको वादे करेंगे वोट मांगेंगे महफिलें सजाएंगे ऐसी ही। मेरे भाई 20 तारीख के लिए अब महज चंद दिन बचे हुए हैं 18 तारीख तक प्रचार होना है 18 तारीख के बाद हम ऐसे जलसे सजा नहीं सकेंगे 20 तारीख के दिन इलेक्शन का दिन है। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की हुकूमत में प्रधानमंत्री या वजीर आजम बनाना अगर है तो ऑस्ट्रेलिया से लंदन से अमेरिका से गुजराती लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं दुनिया भर से कि नहीं हमें नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाना है तो हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हम अपने घरों में रहते हैं और हम बाहर निकल कर आने को तैयार नहीं। इसी का वजह है कि जब लोकसभा के आंकड़े हमने निकाल कर देखे तो हमारी जो बस्तियां हैं वोटिंग कितनी हुई 52% वोटिंग कितनी हुई 54% 55% 58% बाकी 40% कहां है घर में सो रहे हैं आराम कर रहे हैं महसमाल जा रहे हैं बेगम को ले जाकर टहलने के लिए बाहर निकले हुए हैं आधा घंटा एक घंटा लगता है मेरे भाई। मुझे आज भी अच्छी तरह से वो मंजर याद है 2014 के अंदर जब पहली मर्तबा मैं और मेरा भाई वारिस पठान महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गए थे तो वहां पर मीडिया का हुजूम था जमावड़ा था जो छगन भुजबल का इंटरव्यू लेते हुए खड़ा हुआ था पूरे मीडिया के मीडिया वाले लोग जो है वो छगन भुजबल का इंटरव्यू लेते खड़े हुए थे। किसी एक मीडिया वाले की नजर पड़ी कि ये मेमायम वाले दो आ गए उसको वैसे ही छोड़ दिया और पूरे के पूरे भाग के चले आए। और वो पांच साल हमने कैसे महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर सरकार की नाक में दम करके रखे थे। फर्क ये नहीं पड़ता है कि कितने चुन के आते हैं दो थे अल्हम्दुलिल्लाह काफी थे लेकिन इस बार 16 में से अच्छे खासे हमारे एमएलए इंशाल्लाह चुनकर आएंगे
और मैंने तो साफ कह दिया हो कि जिस महाविकास आघाड़ी कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना को मैं कह रहा था कि मैं मजलिस तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है क्योंकि हमें भाजप नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं मजलिस हमें नहीं चाहिए। इंशाल्लाह वक्त बदलते देर नहीं लगती, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दारुस्सलाम की चौखट के ऊपर खड़े रहेंगे कि तुम्हारे आमदार हमें दे दो। तुम्हारे एनएमएस हमें दे दो, हमें हुकूमत बनानी है। और अल्लाह ने चाहा कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, अपन सिर्फ एमएलए नहीं बनने वाले थे। अल्लाह ने चाहा तो बात होगी। 14 बाजी होगी, फुकट का कुछ नहीं। डेरा सपोर्ट तेरे को, मेरे को कितने मंत्री पद दे रहा ये बोल करके मेरे भाई। अब ये इलेक्शन ये समझ लो एमएलए का नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, पॉइंट 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 करके आएगा। जो मुझे हराने में लगे हैं उनके घर के सामने से पॉइंट 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 करके जाएगा मेरे भाई।